मुन्ना शुक्ला, लालगंज के दोनों प्रखंड, 42 पंचायत, 19 वार्ड। आप सभी नौजवान बुजुर्ग माता बहनों को मेरा प्रणाम। आज जिस परिस्थिति में अपने यहाँ लालगंज में टिकट का वितरण हुआ, सीट का वितरण हुआ, उस परिस्थिति में मैं आपके बीच आऊँगा, संवाद करूँगा, अपनी बात रखूँगा। 20 साल से, जिस समय से नीतीश जी 7 दिन की सरकार बनाए थे, हम लोगों ने उनके साथ रहा, और आज जिस परिस्थिति में लोजपा अगर हट गई है तो यहाँ टिकट का हकदार आपका मुन्ना शुक्ला है, होना चाहिए था। हम महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ, लालगंज के साथ, लालगंज के आम आवाम के भावनाओं के साथ खेला गया है, और मुझे तो कम से कम धोखा मिला ही है, लालगंज को धोखा मिला ही है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं, और मैं समझता हूं तय करना आपको है, तय करना यहां के नौजवानों को है, तय करना यहां के माता बहन बुजुर्गों को है, लालगंज के आम आवाम को है, कि आगे हम लोग अपने लालगंज के लिए, लालगंज के विकास के लिए, अपने मुन्ना शुक्ला के लिए, जो 20 वर्ष से मैं आपके सेवा में खड़ा हूं, आज मैं क्या करूं, ये तय करना आपको है। मैं समझता हूं संवाद के लिए मैं प्रतिदिन घूम रहा हूं, और आज भी आपके बीच ही अपनी बात रख के लोगों के बीच ही जा रहा हूं। तय करना आपको है कि लालगंज हमारा सुरक्षित कैसे रहेगा, विकास कैसे होगा, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, माता बहनों बुजुर्गों को सम्मान कैसे मिलेगा, गरीब बुढ़वा को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारे लालगंज का विकास कैसे होगा। आज स्थिति यहीं पर खड़े हैं कि आगे हम लोग तय करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसी के साथ मुन्ना शुक्ला, मैं प्रतिदिन अपनी संवाद आपके माध्यम से, लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं करता रहूँगा, और लोगों के बीच हूँ और रहूँगा, और आपके सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। आपका मुन्ना शुक्ला। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से आखिरी बार आपको मैं कह रहा हूँ कि आगे क्या करना है, ये संवाद हम लोग करें और तय करके आगे बढ़ने का काम करें। आपका मुन्ना शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद।